हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका प्राइमरी पर्पस गेमिंग है और गेमिंग के लिए कोई अच्छा सा ट्रू वायरलेस ईयरबड फाइंड कर रहे हो तो विंग्स फैंटम आपके लिए परफेक्ट चॉइस बन सकता है। ये अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, आज हम इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले। इस ईयरबड्स का प्राइस 299 मतलब 2300 रुपीज है। अगर आपको वीडियो देखने के बाद इसको परचेस करना है आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज इसको पूरा ए टू जेड गेमिंग रिव्यू करने वाला हूँ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को आप लाइक करना। और मैं इस तरह से न्यू मोबाइल फोन लॉन्च के बारे में, न्यू गैजेट के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजी का अपडेट के बारे में वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। और हर बार की तरह ये ईयरफोन आप में से किसी का हो सकता है, उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में कमेंट करना है आपको ईयरफोन कौन सी गेम खेलने के लिए चाहिए, और साथ में आप अपना ईमेल आईडी मैसेज करना है, मैं उसमें कॉन्टेक्ट कर पाऊँ। और मैं इस गिवअवे का रिजल्ट 23rd February को अनाउंस करने वाला हूं, तो आप थोड़ा वेट कर लेना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विंग्स फैंटम का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। ये रहा विंग्स फैंटम का बॉक्स से, ऊपर आपको विंग्स की ब्रांडिंग मिलती है, नीचे इसका मॉडल नेम फैंटम लिखा हुआ मिलता है, और बॉक्स की साइड में एंड पीछे आपको इस ईयरफोन के सारे फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम आगे में चेकआउट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग को, देखते हैं आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले आपको मिलता है एक वारंटी का, जिसमें आपको 1 ईयर के लिए रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको मिलता है यूजर मैनुअल, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया आपको इस मैनुअल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आपको मिलता है एक्स्ट्रा ईयर टिप स्मॉल मीडियम एंड लार्ज साइज का, और यहाँ पे आपको मिलता है टाइप सी चार्जिंग केबल अपने चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए। और ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट विंग्स फैंटम, जो ओनली आपको ब्लैक कलर में ही अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन एंड मटेरियल क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे इस पूरे प्रोडक्ट का वेट 200 ग्राम है, जो काफ़ी लाइट वेट है, इसको आप आराम से अपने पॉकेट या बैग में कैरी करके रख सकते हो। अगर बात करें मटेरियल क्वालिटी के बारे में, यहाँ पे काफ़ी हाई क्वालिटी वाला प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है। जैसे आप देख सकते हो काफ़ी आपको डिफरेंट शेप में आपको पूरा चार्जिंग केस मिलता है। यहाँ पे सामने को दो इंडिकेटर लाइट जो आपको पूरी तरह से गेमिंग का एक एक्सपीरियंस एंड लुक प्रोवाइड करती है। ऊपर की तरफ आपको विंग्स की ब्रांडिंग मिलती है, बैक साइड में आपको टाइप सी पर मिलता है इस चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए, और यहाँ पे आपको चार्जिंग केस को ओपन और क्लोज करने के लिए आपको मैग्नेटिक लॉक मिल जाता है। साथ में बात करते हैं ईयरबड्स की डिज़ाइन के बारे में। ईयरबड्स के अंदर भी आपको मैग्नेटिक लॉक मिलता है, सो बहुत ही आराम से इसको मैं चार्जिंग केस में प्लेस करके रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं ईयरबड्स की डिज़ाइन के बारे में। मैंने इसको पूरे 24 आवर तक यूज़ किया है, मैंने इसको रनिंग के टाइम, जिम के टाइम इसको मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा है। ईयरबड्स आपके कान में बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। सामने की तरफ आपको इंडिकेटर लाइट मिलते हैं, इसलिए पूरा आपको टच कंट्रोल मिल जाएगा। नीचे आपको 3 होल मिलते हैं माइक्रोफोन के लिए, और यहाँ पे आपको पीछे चार्जिंग करने का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। सो ओवरऑल चार्जिंग केस एंड ईयरबड्स दोनों आपको 100% गेमिंग वाला लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। ईयरबड्स के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी मिलती है। फर्स्ट टाइम अपने ईयरबड को फोन के साथ कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले आपको दोनों ईयरबड्स को चार्जिंग केस से बाहर निकालना इस तरह से, और यहाँ पे LED लाइट इंडिकेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको फोन का ब्लूटूथ को ऑन करना है, यहाँ पे सर्चिंग होना स्टार्ट हुआ, नीचे आ गया विंग्स फैंटम, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे कनेक्शन हो गया बहुत ही फास्ट। यहाँ पे 100% बैटरी शो कर रहा है, और जैसे ही आप अपने ईयरबड्स को चार्जिंग केस में वापस प्लेस करते हो इस तरह से, यहाँ पे जैसे इसको वापस प्लेस करते हो अपने चार्जिंग केस के अंदर, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसकनेक्ट हो जाएगा, और जैसे इसको वापस बाहर निकालते हो अपने चार्जिंग केस से, सो ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो काफ़ी आपको फास्ट प्रोसेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखो भी कनेक्शन होना स्टार्ट हो गया। अगर बात करें बैटरी लाइफ के बारे में, इस चार्जिंग केस के अंदर आपको 400 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने चेक किया, इसको फुल चार्ज करने के लिए 7 to 75 minutes का टाइम लगता है। एक बार आपका चार्जिंग केस फुली चार्ज होगा तो ये चार्जिंग केस आपके ईयरबड्स को मिनिमम 4 to 5 times फुली चार्ज कर पाएगा, और आपका ईयरबड्स एक बार फुली चार्ज होगा तो आपको मिनिमम ये आपको 4 to 5 hours का आपको म्यूजिक प्ले टाइम प्रोवाइड करता है। सो इस तरह से टोटली आपको 20 to 22 hours का आपको म्यूजिक प्ले टाइम मिल जाएगा। सो इस वजह के साथ आपको बैटरी के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आपको मीडिया कंट्रोल करने के लिए पूरा टच कंट्रोल मिलता है। सिंपली आप किसी के ईयरफोन के ऊपर डबल टैप करके अपनी सॉन्ग को स्टॉप कर सकते हो, डबल टैप करके अपनी सॉन्ग को स्टार्ट कर सकते हो। राइट वाले ईयरफोन के ऊपर सिंपली 1 tap करके अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो, और लेफ्ट वाले ईयरफोन के ऊपर सिंपली टैप करके अपने वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे आप राइट वाले ईयरफोन के ऊपर आप 3x tap करके अपने नेक्स्ट सॉन्ग में जा सकते हो इस तरह से, एंड लेफ्ट वाले ईयरफोन के आप 3x tap करके आप अपने प्रीवियस सॉन्ग में आ सकते हो, और जब भी कॉल होता है सिंपली आप 2x tap करके अपने कॉल को पिकअप कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लेफ्ट वाले ईयरफोन के ऊपर आप 2 seconds तक लॉन्ग प्रेस करके अपने फोन के सीरी एंड गूगल वॉइस असिस्टेंट को भी एक्सेस करने से काफ़ी आपको ईजी आपको कंट्रोल मिल जाते हैं।
जैसा मैंने आपको पहले बताया ये गेमिंग ईयरफोन है, इसके अंदर आपको दो बोर्ड्स मिलते हैं, एक गेम बोर्ड एंड दूसरा म्यूजिक बोर्ड। सिंपली आप राइट वाले ईयरफोन के ऊपर आप 2 सेकंड तक लॉक करके इसको गेम बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो अभी ये गेम बोर्ड में कन्वर्ट होगा, मुझे अंदर साउंड आ गया, सो भी ट्राई करते इसको गेम के साथ। मैंने इस ईयरबड्स के गेमिंग परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए इसको काफी लॉन्ग टाइम तक कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ ट्राई किया है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है, मुझे बिल्कुल भी साउंड लेग फील नहीं हुआ है। इसके अंदर आपको 65 मिलीसेकंड से भी कम आपको साउंड लेग में, जो काफी कम है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। अगर आपको गेमिंग के लिए परचेस करें तो आप विंग्स फैंटम को 100% कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं ईयरफोन के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। इसके अंदर आपको 12 mm के डायनेमिक ड्राइवर मिलते हैं, जो काफी आपको हाई क्वालिटी एंड प्रीमियम साउंड प्रोवाइड करते हैं। मैंने इसको हर टाइप के सॉन्ग के साथ ट्राई किया, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है। इसमें आप लो मीडियम एंड हाई पिच काफी अच्छे से सुन पाओगे, काफी अच्छे आपको वोकल पिच के अंदर आपको मिल जाते हैं। अगर बात करें बेस के बारे में, मैंने इसको कई सारे हाई बेस वाले सॉन्ग के साथ ट्राई किया, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है। बेस के लिए मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं हुआ। अगर बात करें कॉलिंग के बारे में, इसके अंदर आपको और एक टेक्नोलॉजी मिलती है जिसका नाम है MEMS, जिसके अंदर ये फोन आपका साउंड बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर करते हैं, सामने डिलीवर करते हैं, सो आपको कॉलिंग के लिए भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इस ईयरफोन को आप म्यूजिक एंड गेमिंग दोनों पर्पस के लिए परचेस कर सकते हो। और इस ईयरफोन के अंदर आपको IPX518 मिलता है, इसका मतलब है आप इस ईयरफोन को आउटडोर कंडीशन में थोड़ी बहुत बारिश में यूज कर पाओगे। अगर आपको जिम का टाइम छोड़ेंगे तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो भी आपको विंग्स फैंटम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप म्यूजिक एंड गेमिंग के लिए इसको 100% कंसिडर कर सकते हो। सो यहाँ पे अपना वीडियो खत्म हो गया, आपको वीडियो यूजफुल लगा हो इंपॉर्टेंट वीडियो को आप लाइक करना और सब्सक्राइब कर गेम पार्टनर मत भूलना। अगर हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।